हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, उसका बीएड सेशन 2224 का बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है। और इसका मार्कशीट और प्रोविजनल का जो भी स्टूडेंट है पास किए हुए हैं 2224 सेशन में, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, समझ गए कि कब मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 भी है, फिर स्टेट भी आने वाला है, तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है स्टेट का या बीपीएससी टीआरई 4 का। तो क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट में, क्योंकि डिग्री तो अभी मिलेगा नहीं, तो प्रोविजनल और मार्कशीट का ज़रूरत पड़ेगा, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, आपका 10 से 15-15-20 दिन में, मतलब 20 दिन से अंदर ही आपका कॉलेज में दोनों डॉक्यूमेंट चला जाएगा, मार्कशीट और प्रोविजनल। क्योंकि देखिए, पिछले बार 21-23 सेशन वाले का, मतलब स्टेट ऐसे ही था, बीपीएससी टीआरई 2 भी था, तो उन लोग का एकदम 5 दिन के अंदर में सब डॉक्यूमेंट, मतलब मार्कशीट और प्रोविजनल कॉलेज में चला गया था, समझे। तो जो भी लोग 2224 वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मार्कशीट और प्रोविजनल का, तो जल्द ही आपके कॉलेज में चला जाएगा, समझे। आपका उसके नोटिफिकेशन से पहले आपको मिल जाएगा। जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मार्कशीट और प्रोविजनल का, तो जल्द ही आपका चल जाएगा। उसमें नाम वगैरह ये सब देख लीजिएगा, समझे, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ये सब ठीक से देख लीजिए। क्योंकि अभी डिग्री मिलेगा नहीं, तो प्रोविजनल और मार्कशीट से आपका दोनों में, बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट दोनों में आपका उससे हो जाएगा, समझे। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कीजिए, जल्द ही आपके कॉलेज में ही, यूनिवर्सिटी में नहीं दौड़ना पड़ेगा प्रोविजनल के लिए, बिहार यूनिवर्सिटी में आपका कॉलेज में ही मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों चला जाता है, और वहाँ से आप कॉलेज से आप रिसीव कर लीजिएगा, तो आपका 15-20 दिन में आपके कॉलेज में पहुँच जाएगा, समझे। इंतज़ार कर रहे थे तो ये चीज़।